नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। खबर इंडिया पे आप सबका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। पीएम मोदी का आज वाराणसी दौरा, सदस्यता अभियान की शुरुआत, वृक्षारोपण करके जगाई नई अलख। सीएम योगी के दिखे सख्त तेवर, यूपी में 30 आईएएस अधिकारियों के तबादले, शिशिर सिंह बने हिंदी समाचार निदेशक। सांसद हेमा मालिनी पहुंची कलेक्ट्रेट, लाभार्थियों को वितरित किए चेक, अधिवक्ताओं ने सांसद को सौंपा ज्ञापन। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश आगरा पहुंचे, दो पार्षदों को ग्रहण कराई सदस्यता, 200 रुपए का है सदस्य अभियान फॉर्म। अब खबरें विस्तार से। मुरादाबाद में भाजपा सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री संजीव वालियान पहुंचे और उन्होंने गुजरात के सूरत में हुए घटना पे उन्होंने बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि एक वर्ग के लोग विशेष वर्ग के लोगों को भड़काने में लगे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में जो अभी बजट पास हुआ है 2019-20 का, और उस पर जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं उन पर लोगों का दूसरा रिएक्शन है, विपक्ष के भी अलग रिएक्शन है, और उनके जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार का निर्णय एकदम सही है। सदस्य ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के, इस बार लक्ष्य बढ़ा, 20 करोड़ सदस्य बनाना चाहते हैं, जो पुराने उनकी मेंबरशिप भी रिन्यू होगी, तो शुरुआत हुई है आज। ऐसा नहीं है कि भाई अब हम ये तो शुद्ध रूप से वो कार्यकर्ता थे ज्यादातर जो पहले से सदस्य हैं। आज हमने अभियान की शुरुआत की है, हमारे कार्यकर्ता गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे और प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के 20 करोड़ सदस्य। भारतीय जनता पार्टी ने क्या खास रणनीति बनाई, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पिछली बार सारी सीटें भाजपा ने, देखिए आपको भी अच्छी तरह पता है कि मुरादाबाद मंडल में जातिगत और धार्मिक समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अनुकूल नहीं है, इसीलिए यहाँ कार्यकर्ताओं की कहीं कमी नहीं रही, बहुत वोट मिली है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि हम कितना अच्छा काम करो हमें वोट नहीं देना चाहते। मुझे लगता है पिछले 1.5 महीने में उनके विचारों में परिवर्तन आया है कि भारतीय जनता पार्टी तो बढ़ती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, तो उनमें से भी कुछ लोग ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में सभी का स्वागत है, तो प्रयास करेंगे जो लेवल के बूथ हैं जहाँ बहुत कम वोट हमें मिली है वहाँ भी कुछ नए लोग भारतीय जनता पार्टी से। देखिए आज भी करीब करीब सभी पूरे देश में हर जिले में कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जा रहा है, मेरी ड्यूटी आज मुरादाबाद में, आगे भी समय समय करते हैं। दूसरी खबर की ओर, यूपी के मुरादाबाद में मानसून की एक झलक देखने को मिला वहां के लोगों को, और इस मानसून के वहां के किसान को ज़्यादा राहत पहुंची। लेकिन एक तरफ वहां के जो लोग हैं, वहां के निवासी लोग हैं, वहां पे जो नाले हैं, गलियां हैं, वहां पे पानी ज़्यादा ही लग गया, जिससे वहां के लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इसको लेकर वहां के जो लोग हैं नगर निगम पर सवाल भी उठाते रहे कि उन्हें जितना पैसा मिलता है वो इन पैसों को कहाँ यूज़ करते हैं, अगर वो शायद इस गलियों में अगर यूज़ करते, साफ सफाई रहता तो शायद वहाँ के लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। आज के बुलेटिन में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।